मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के श्री नारायण में सभी पत्रकारों को दीपावली की अग्रिम बधाइयां देकर पत्रकार वार्ता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मंगलवार को मैंने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोनारगढ़, ग्राम केरा और श्री नारायण नगर में लोगों से भेंट मुलाकात की। श्री नारायण में कल मैं महानदी की गंगा आरती में भी शामिल हुआ। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि रामवन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक 9 स्थलों का चयन किया गया था। इनमें से श्री नारायण और चंद्रखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे भी हो चुके हैं। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि सभी की आय बढ़े, सभी की समृद्धि बढ़े और सभी जगह पर सुख शांति हो, हमने इसी लक्ष्य को लेकर अपनी योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लगातार शिक्षा के विस्तार को लेकर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम PPP मॉडल में कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। श्री नारायण हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ है और इसलिए पर्यटन के हिसाब से भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नदियों का संगम भी है और बहुत ही प्राचीन नगरी है, व्यावसायिक केंद्र भी है और इसलिए इस नगर का विकास तेजी से कर रहे हैं और आगे भी और भी कार्य हम लोगों को करना है। बहुत सारी घोषणाएं हमसे पूरा भी करना है और एक विकसित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हम लोगों को करना है। भगवान राम ने वनवास काल में जिन स्थानों में प्रवास के दौरान रुके थे उससे उन स्थानों को राम उद्गमन पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में